मसला है कि दाली उदयनपुरा एक ब्लॉक है जिसमें जो 9 पंचायतों पर मुश्तमिल है और इस डोडा का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, सबसे पीछे ब्लॉक है। 3 साल पहले जब वहाँ इलेक्शन हुए, हम पंच सरपंच बने, तब से आज तक वहाँ एक बार बीच में वीडियो 2-3 महीने आया, जो परमानेंट वीडियो वहाँ आया था, बाद में उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं JD में ले गए। और वहाँ कभी गुदना का इंचार्ज रहा, कभी गठ का इंचार्ज रहा, कभी बगवा का, कभी किसी और जगह का, जो अपना ब्लॉक मुश्किल से चलाता था, बीच में महीने में 1-2 दिन वो हमारे ब्लॉक में आता था, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं और हमारे लोग भी परेशान हैं, जिसकी वजह से फिर कभी RTI देने लगे लोग, कभी हमसे लड़ने लगे, कभी डिपार्टमेंट से लड़ने लगे। बिलाआखिर इस साल, पिछले साल यहाँ हमारे ब्लॉक में जो बैक टू विलेज का पैसा था या CD पंचायत का था या वो ट्रैवल्स का पैसा आता है वो था, सब पैसा लैप्स होकर वापस चला गया। बड़े अफसोस, और हमारे लोग तरसते रहे, कुछ लोगों ने काम भी किए, उनको वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई। इस साल 1 महीना पहले किसी एक BDO साहब, जिनका नाम लियाकत अली खान है, को यहाँ दाली ब्लॉक में लगाया गया और उसने 1 महीने में पूरे 2 साल का काम प्रोग्रेस निकाली। और हम तो थे ही खुश, लेकिन हमारे लोग, जहाँ एक अदना सा लोग, गरीब सा आदमी, अब उसकी भी शिकायत होती थी, वो मौके पे जाके उसको सालो करते थे। और कल हमने अचानक ये खबर सुनी कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कुपवाड़ा भेज दिया गया, और हम एक शायद किसी और इंचार्ज को भेज देंगे वहाँ, जिसको मानने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आज हम आए, अब हम आए DC साहब को मिले कि उसके ऑर्डर जो है रिमूव किया जाए, उसको दोबारा से हमारे ब्लॉक में लगाया जाए। हमने DC साहब से डेपुटेशन गए, हम SHD साहब से मिले, हम चेयरमैन साहब से मिले, सबों ने ये भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि हम सेक्रेटरी मैडम से बात करके, LG साहब के उस ग्रीनसेल से बात करके आपका मसला हल करेंगे। और हम इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये हमारे इस मसले को हल करेंगे, हम पर इंसाफ करेंगे, रहम करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर हमने अगला प्लान सोचा है कि हम सभी पंच सरपंच पूरे ब्लॉक के इस्तीफ़ा दे देंगे और लोगों को साथ लेके यहाँ डोडा DC ऑफिस के सामने धरना देंगे। मोहम्मद शफी मागरे, सरपंच आलोगाद ब्लॉक दाली उदयनपुर। ये आज का जो हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम आज सरपंच और पंच जो हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि हम पिछले तीन साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, तब से आज तक इस दाली उद्यानपुर ब्लॉक में इस BDO के मसले में हम जूझ रहे हैं। हमको कभी परमानेंट BDO नहीं मिला, हमको जब भी BDO मिला वो इंचार्ज BDO मिला, और उस इंचार्ज BDO मिलने से हमारा ब्लॉक बिल्कुल पीछे के लिए चल रहा है। और जितने भी पुराने काम थे, पिछले साल के काम थे, CD पंचायत के थे, बैक टू विलेज थे, वो सारा पैसा लैप्स होके सरकार को वापस चला गया, और वो सब प्रॉब्लम जो कि BDO ना होने की वजह से। और इस बार हमको पहली बार एक BDO मिला था खान साहब नाम करके, लियाकत अली खान साहब, और वो तकरीबन कोई 1.25 महीना यहाँ पर रहे, और 1.25 महीने में जितने भी मसले मसाइल हमारे ब्लॉक के थे वो सारे उन्होंने हल किए थे, और कैपेक्स का सारा पैसा जो उन्होंने खर्च कर दिया था, लोगों को पेमेंट हो गई थी। गरीब मजदूर हैं, महंगाई आप देख रहे हैं कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है, और मनरेगा का जहाँ पर सवाल है, आप देखिए कि हमारे पंचायत में 192% के करीब लोगों ने मनरेगा में काम किया। वो इसलिए किया कि हमारे ब्लॉक में खाली मजदूर तबका लोग हैं, गरीब तबका लोग हैं, और हमको ऐसा एक BDO साहब मिला था जो हर गरीब के पास पहुंचता था, सरपंच और ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम सारे पंच सरपंच आज आए हैं। हम DC साहब से मिले, हम चेयरमैन साहब से भी मिले, हम SED साहब से भी मिले, उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया, DC साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम इसके लिए कोशिश करेंगे इसको वापस लाने के लिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ LG साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारी मैडम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने ब्लॉक की तरफ से, अपने ब्लॉक के पंच सरपंचों की तरफ से और अपने ब्लॉक के गरीब लोगों की तरफ से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमको 1-2 दिन के अंदर उस ऑर्डर को रिमूव किया जाए और वो BDO हमको वापस दिया जाए। अगर हमको वो BDO वापस नहीं मिलेगा तो हम 3 साल से तो हम भटक ही रहे हैं, अभी हमारा 1.5 साल से ज्यादा टाइम अभी बचा हुआ है, तो हम इस्तीफा देकर अपने पब्लिक को, दाली उद्यानपुर ब्लॉक के लोगों को, सबों को डोडा में प्रोटेस्ट करेंगे।